नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के सियासी दाव पेच जारी हैं। एक तरफ जहां भाजपा सभी सीटों पर महागठबंधन के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली जदयू पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बंगाल के चुनावी रण में उतार दिया है। इसी कड़ी में जदयू ने अपने 45 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कोलकाता आकर जनता दल यूनाइटेड के 45 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। बता दें कि जदयू ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जिसको लेकर द नेशनल बुलेटिन के संवाददाता ने खास कवरेज की और बंगाल में चुनावी रणनीति को लेकर गुलाम रसूल बलियावी की प्रतिक्रिया को जाना। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता प्रेस क्लब में हूँ। हमारे सामने बलियावी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनता दल यू ने यहाँ पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है और यहाँ से उन्होंने अभी फिलहाल 45 उम्मीदवारों को उतारा है और इनका इरादा है कि ये तादाद, ये संख्या और बढ़ सकती है। हम इस सिलसिले में बलियावी साहब से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो उनका क्या स्ट्रेटजी होगा और किस प्लान पर वो चुनाव लड़े। आइए सुनते हैं बलियावी जी की बात। कौन कितनी सीट गंवाएगा इस पर कोई चर्चा नहीं। संघर्ष हमारा नारा है, न्याय के साथ विकास हमारा मॉडल है और इसी पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। अभी तक 45 क्लियर हो चुके हैं, सूची दो चार रोज में सब सबमिट कर दी जाएगी और उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। जदयू सिर्फ बिहार में एनडीए के साथ है, बाकी पूरे देश में अकेले। दीदी और दादा दोनों से कभी हम लोग नाराज नहीं होते। हमारा जो काम है जनता दल यू का, अपनी पार्टी, अपना नेता, अपनी आइडियोलॉजी पब्लिक के बीच। अभी तक आज शाम तक 45 क्लियर हैं, अभी जा रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है। 45 नहीं नहीं बाब, संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैनोफेस्टो जारी हो जाएगा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।